सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सीयूटी की क्या कट ऑफ्स रह सकती हैं। अब देखिए, मुझे पता है स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा ये सवाल आता है कि कट ऑफ्स क्या रहने वाली है, कट ऑफ्स क्या रहने वाली है, राइट? तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका जो सवाल है उसका पूरा जवाब आपको मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को समझो, फिर हम आएंगे कट ऑफ्स पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले जो कट ऑफ आया करती थी कि भाई इस कॉलेज के इस कोर्स की इतनी कट ऑफ होने वाली है, दूसरे कॉलेज के इस कोर्स की इतनी कट ऑफ होने वाली है, अब उस तरह से कोई भी ऐसा कट ऑफ नहीं आती है। अब सिंपली क्या होता है कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो, जो बेसिकली सीसेस बोला जाता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, तो जब सीसेस का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक कॉलेज का नाम शो होता है कि भाई आपका जो भी स्कोर आया है सीयूटी के अंदर उसके हिसाब से ये जो कॉलेज है इसके अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है। वहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना, आपका एडमिशन हो जाता है। कोई भी कट ऑफ किसी तरह की किसी तरह का कोर्स वहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता, सिर्फ एक कॉलेज का नाम शो होता है कि इस कॉलेज के अंदर ये कोर्स आपको मिल सकता है इतने नंबर पर, अगर आप लेना चाहते हैं अप्लाई पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से बेसिकली इस बार होने वाला है और पहले भी होता है सीयूटी के अंदर। लेकिन जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहा है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे 800 में से 700 नंबर आए थे और हमें ये वाला कॉलेज मिल गया, हमारे 800 में से 750 नंबर आए थे ये वाला कॉलेज मिल गया, हमें 800 में से 600 आए थे ये कॉलेज मिला, तो उन सभी के जो जितने मार्क्स आए थे उसको इवेल्युएट करते हुए हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ्स हैं वो आपकी क्या रहने वाली है। बट हाँ, अगेन ये सिर्फ एक आइडिया है, एक सिर्फ गैस है, जरूरी नहीं कि यही एग्जैक्ट हो और ये किसी को भी नहीं पता होता है। अगर आपको ये बोलता है कि 101% मुझे पता है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए को 800 में से 754 नंबर चाहिए, राइट, 754 नंबर चाहिए, तो ऐसा वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को भी एग्जैक्ट नंबर बताओ। लोग गैस कर सकते हैं, हम एक्सपेक्टेड जो नंबर होते हैं वो गैस कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट और एक्यूरेट कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि अभी तक इस तरह से कोई लिस्ट नहीं आती है, राइट? सीधे एडमिशन होते हैं, बट हम गैस करेंगे और हो सकता है उसके आसपास ही आपको नंबर चाहिए हो, ठीक है? और बहुत बार क्या होता है कि जब कोई आपको सच बोलता है कि भाई इस तरह से एक्यूरेट कोई नहीं कर सकता है, तो आपको गुस्सा आता है, यार एक्यूरेट क्यों नहीं कर सकते हो? बट सच यही है कि कोई भी एक्यूरेट नहीं कर सकता है, सिर्फ गैस किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं। सो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले भाई टॉप कॉलेजेस हो गए, फिर एवरेज कॉलेजेस हो गए, एंड उसके बाद बिलो एवरेज कॉलेजेस हो गए, राइट? तो तीन कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पर बन गई है। अब टॉप कॉलेज आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। नॉर्थ कैंपस जैसे मान लीजिए हंसराज है, हिंदू है, स्टीफन्स है, मिरांडा हाउस हो गया, या फिर साउथ कैंपस के अंदर भी लेडी श्रीराम कॉलेज है, वेंकटेश्वर कॉलेज है, या फिर मान लीजिए कोई बीबीए करना चाहता है शहीद सुखदेव कॉलेज हो गया, तो ये सारे सारे टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ एवरेज कॉलेजेस की, तो भाई एवरेज कॉलेज जैसे कि मान लीजिए आप डीसीएसई हो गया, मोतीलाल है, या फिर आप जैसे कि दयाल सिंह कॉलेज हो गया, तो ये कुछ एवरेज कॉलेज जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करूँ बिलो एवरेज कॉलेज की, तो उसके अंदर फिर कुछ और कॉलेज जाएंगे, बट मैं नाम नहीं लूँगा कि नाम लेने से क्या होता है कि यार कुछ कॉलेज सोचते हैं ये कौन सा क्राइटेरिया कि मैं बिलो एवरेज बोल दिया। बट फिर भी अगर आपको गेस्ट लेना है तो जितने भी इवनिंग कॉलेज होते हैं उनकी कट ऑफ हमेशा कम रहती है, तो आप समझ सकते हैं जिनकी कट ऑफ कम रहती है हम उसको बोल रहे हैं बिलो एवरेज कॉलेज, ठीक है? जिनकी कट ऑफ कम रहती है तो उसके अंदर इवनिंग कॉलेज आ जाएंगे, बाकी कुछ कॉलेज है वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज हो गई हैं, टॉप कॉलेज, एवरेज कॉलेज एंड बिलो एवरेज कॉलेजेस। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में। साइंस की बात नहीं करें, साइंस की हम अलग से करेंगे, पहले आर्ट्स एंड कॉमर्स की हम बात करते हैं। अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स का कोई भी कोर्स कर रहे हो, टॉप कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 90 से लेकर के 95% आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ टोटल जितना भी आपने टेस्ट दिए हैं। मान लीजिए आपने आउट ऑफ 800 दिया है, तो 800 में से आपके अगर 90 से 95% स्कोर आपका आ गया है तो आपको टॉप कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर मान लीजिए आप जनरल हैं तो फिर आपको 95% चाहिए, और अगर आप STSCs हैं तो फिर आपको 90 चाहिए होगा, अगर आप OBC हैं तो 93 के आसपास या 92 के आसपास आप लगा सकते हैं। तो इस रेंज के अंदर आपको मार्क्स चाहिए होंगे 90 से लेकर 95% के आसपास, ठीक है? अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं भाई एवरेज कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए ही, तो 75 से लेकर के 85% के बीच लगभग आपका स्कोर रहना चाहिए, राइट? अगर आप जनरल है तो 85, अगर आप STSCs हैं तो 675, और अगर आप OBC है तो मान सकते हैं आप 80 के आसपास, राइट? अगर आप बिलो एवरेज कॉलेज देख रहे हैं तो 60 से लेकर के 70% के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, जनरल है तो 70%, STSCs है तो 60%। आई गेस आप समझ गए हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, राइट? तो इतना स्कोर आपको चाहिए होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइंस के कोर्सेज की, ये गैस है, एक्सपेक्टेड, ठीक है? अगर मैं साइंस की कोर्सेज की बात करूँ तो देखिए साइंस की जहाँ तक बात है, तो लास्ट ईयर हमने सीयूटी के अंदर देखा, उससे लास्ट ईयर भी देखा कि साइंस की कट ऑफ हमेशा आर्ट्स एंड कॉमर्स से थोड़ी सी कम ही जाती है। और कम जाने का रीज़न ये होता है कि भाई ऐसा माना जाता है कि साइंस का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर करें हम आर्ट्स एंड साइंस से, तो ऐसा है, ठीक है? तो हमेशा कम स्कोर पर साइंस के स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है। अगर हम बात करूँ साइंस की, तो देखिए साइंस के अंदर अगर आप टॉप कॉलेज देख रहे हैं तो वहाँ पर 80 से 85% के अंदर आपको टॉप कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं।
अगर आप जनरल हैं तो 85% के आसपास, अगर आप मान लीजिए रिजर्वेशन से हैं तो 80% के आसपास, अगर आप एवरेज कॉलेज देख रहे हैं तो 60-70% के आसपास स्कोर होना चाहिए। एंड अगर आप बिलो एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, लेना तो कौन नहीं चाहता है, लेकिन हाँ अगर हो जाए तो आपका स्कोर होगा 50% से लेकर 60% के आसपास। तो ये था आर्ट्स एंड साइंस के लिए एंड डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें कवर कर दी है, इसके अंदर मैंने रिजर्वेशन भी कवर कर दिया है, नॉन रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए भी कवर कर दिया है, टॉप बिलो एंड टॉप एवरेज एंड बिलो एवरेज भी कवर कर दिया है, इसके अलावा आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस भी कवर किया। तो आई गेस आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार क्या स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहा हूँ 800 में से, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 90% चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 90% मतलब 800 में से 720 मार्क्स, ठीक है। तो उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल पर भी हम लोग आपको प्रेफरेंस शीट भी प्रोवाइड करने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है और बहुत ही बढ़िया चैनल आप सभी सीडीए स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। चाहे आप डीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, बीएचयू के अंदर लेना चाहते हो, जामिया के अंदर, जेएनयू के अंदर, सभी अलग अलग कॉलेज पर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर हम लोग वीडियोज़ रिलीज करने वाले हैं। तो आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा और कोई भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं होंगी, सीधे सीधे पॉइंट पर बात होगी और जो सच है वही कहा जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई एक्यूरेट यही नंबर आपको चाहिए, जो सच है वही बोलेंगे कि भाई ये गैस किया जा सकता है, एक्यूरेट किसी को भी नहीं पता होता है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।